नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोडिंग स्किल्स में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम AWS EC2 इंस्टांस का यूज करके लारावेल के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम अमेजोन की जो वेबसाइट है उस पर चलते हैं। ये मैंने जो अमेजोन के है वेबसाइट को ओपन करके रखा है, लॉग इन कर लेते हैं। सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। EC2 सर्विस पे जाते हैं। अभी देखिए कि हमारा एक भी इंस्टांस रनिंग पे नहीं है, तो हम सबसे पहले एक इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। इंस्टांस, जब मैंने इंस्टांस रनिंग पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर उसकी डिटेल दिखा रहा है कि यहाँ पर एक भी इंस्टांस नहीं है। तो मैं लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने सर्वर का नाम देता हूँ, कोडिंग स्किल्स के नाम से रख लेता हूँ। यहाँ से मैं उबंटू सेलेक्ट करता हूँ। उबंटू का जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट का जो वर्जन है यहाँ पर 24.04 है, इसको एज इट इज रख लेता हूँ। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करता हूँ। की पेयर मैंने एक ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है यूट्यूब की पेयर के नाम से, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना नया की पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नाम देना आपने और एज इट इज आपने क्रिएट पेयर पे क्लिक करेंगे तो की क्रिएट हो जाएंगी। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरा, तो मैंने यूट्यूब की पेयर के नाम से की को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं दोनों टिक कर लेता हूँ। इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सेट है क्या। सर्वर का नेम कोडिंग स्किल्स के नाम से रखा है। उबंटू सर्वर सेलेक्ट किया है मैंने। यूट्यूब की पेयर के नाम से की थी मेरी, सेलेक्ट कर ली है मैंने। मैंने अलाउ HTTPS ट्रैफिक और अलाउ HTTP बोथ को टिक किया है। जो स्टोरेज है उसको 30 GB सेलेक्ट किया है। लॉन्च कर देता हूं मैं। ये जो हमारा इंस्टांस क्रिएट हो चुका है, इसका पब्लिक IP मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा। ये टाइम लेने के बाद रनिंग स्टेट में आ जाएगा। रनिंग स्टेट में चेक करने के लिए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी पेंडिंग में चल रहा है तो कुछ सेकंड्स का टाइम ये लेता है रनिंग पे आने के लिए। हाँ, ये रनिंग हो गया है। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो IP एड्रेस है ये मिला है असाइन। ठीक है, तब इसको कनेक्ट करके और एक्सेस करेंगे हम। तो कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। SSH क्लाइंट जो है ये वाला सिलेक्टेड रहना देना है, और इसके अंदर से मैं ये वाली लाइन को कॉपी कर ले। अब मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ जहां पर मेरी की है, डाउनलोड में है मेरी की। मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट कर रखी थी, ये है। जो यहां पर मैं क्या करूंगा, CMD टाइप करूंगा। इस लोकेशन पे जाने का मतलब यही है कि जहां पर की स्टोर है, की को एक्सेस करेंगे हम। अब यहां पर मैंने जो कॉपी किया था वो यहां पर पेस्ट कर दिया, और जैसे ही क्लिक करूंगा मैं यहां पर यस टाइप करूंगा। अब जो हमारा EC2 जो इंस्टांस था उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। पीछे का बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ। अब कुछ कमांड नोट कर रखी है मैंने, वो वन बाय वन चलाते चले। सबसे पहले तो मेरी है ये नंबर वन पे sudo apt-get update, कॉपी किया इसको, यहाँ के मैंने पेस्ट कर दिया।
ये कमांड क्या करेगी, जो हमारा सिस्टम जो अभी न्यू जो इंस्टांस क्रिएट हुआ है उसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज थी उनको अपडेट और अपग्रेड कर देगी ये दोनों कमांड। ये अपग्रेड हो चुका है। अब जो है बाकी यूट्यूब चैनल पे जो दे रखा है वो एनजीनिक्स इंस्टॉल करके और फिर एक्सेस का जो ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं, मैं आपको अपाचे से करके दिखा रहा हूँ, मैंने कॉपी किया है इसको। अपाचे इंस्टॉल कर लेते हैं। यस सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैंने स्पेस दबा के और एंटर दबा दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा कुछ सेकंड्स का, और ये इंटरनेट की स्पीड्स पे भी डिपेंड करता है आपके। अब जब ये पूरा इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर एक पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड को आपको वेरी केयरफुली याद रखना है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे हम तो उस टाइम पे उस पासवर्ड की जरूरत रहेगी। अगर आपको पासवर्ड अच्छे से याद नहीं है या फिर टाइप करने में कुछ मिस्टेक्स हो गई है तो फिर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है आगे के लिए। अभी पूछ रहा है कि आपको कुछ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलना है या फिर कुछ आपने कुछ नई कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी, तो हम जो डिफॉल्ट है वो कॉन्फ़िगरेशन ही रहने देते हैं। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर पासवर्ड टाइप करता हूँ मैं, पासवर्ड। ये पासवर्ड आपने ध्यान से याद रखना है, अच्छे से टाइप करना है। मैंने पासवर्ड टाइप किया था। अब मेरा मैं आईपी एड्रेस को टाइप करके एक बार चेक कर लेता हूँ, जो मेरा आईपी एड्रेस दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर जाता हूँ, आईपी एड्रेस को चेक कर लेते हैं हमारा क्या आईपी एड्रेस है। ये वाला आईपी एड्रेस है, इसको कॉपी करता हूँ और इसमें जाके टाइप कर देता हूँ। देखिए हमारा अपाचे इंस्टॉल हो चुका है। अब वापस जाते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट कमांड जो है हमारी। अब ये वाली जो कमांड है इससे हम जो हमारा रूट यूजर है उसका पासवर्ड सेट करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था आप सभी को कि जो पासवर्ड हमने लास्ट टाइम टाइप किया था वो पासवर्ड था, वो याद रखना था, वो पासवर्ड अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पर मैंने उसका पासवर्ड दिया था नाम, तो यहां पर भी पासवर्ड टाइप करता हूं। पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया है, टाइप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा पासवर्ड के नाम से, ये देखिए माई सीटल में लॉग इन हो गई है। अब यहां पर ये जो कमांड है ये क्या करेगी, जो हमारा रूट यूजर है, जो हम पीएचपी माई एडमिन से लॉग इन करते हैं, उसका पासवर्ड सेट करेगी। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, एंटर हिट करते हैं, वो पासवर्ड हमारा सेट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं एग्जिट कर देता हूं। अब क्या है कि अगर मैं पीएचपी, ये मेरा ब्राउजर है, ब्राउजर में मैं यहां पर देखिए स्लैश पीएचपी माई एडमिन टाइप करता हूं। हाँ, ये पाई पीएचपी माई एडमिन आ गया है हमारा। तो यहां पर रूट और यहां पर मैंने पासवर्ड दिया था, इसको लॉग इन करता हूँ। ये देखो जो हमारा है EC2 जो इंस्टांस था उसके ऊपर अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया, अपाचे में मैंने पीएचपी माई एडमिन को एक्सेस कर रहा हूँ। यहां तक तो आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इतना सब होने के बाद अगला जो हमारा स्टेप है
अगर कई बार क्या होता है, ये वाली जो कमांड है कई बार हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं पीएचपी माई एडमिन को, ये वाला जो राउट है, ये वाला जो पीएचपी माई एडमिन है इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते, तो वो कमांड हम चलाते हैं इसलिए, ये वाली जो कमांड है इसलिए चलती है। तो कई बार जब वो आपको इश्यू करे तो ये कमांड चला लेना, इसके बाद ये चल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, ये परमिशंस की तब जरूरत पड़ेगी हमें जब अगर कोई हमारे सामने इश्यूज आते हैं, अभी के लिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, अगर जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आप सभी को पता है कि लारावेल का प्रोजेक्ट चलाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है, कंपोजर की जरूरत होती है। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर कंपोजर है या नहीं। सबसे पहले तो हम हमारी डायरेक्टरी में जाएंगे, बाई डिफॉल्ट जो हमारी डायरेक्टरी बनती है वार www और html ये बनती है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। और एक बार टाइप करके देख लेते हैं कंपोजर है नहीं है, कंपोजर इंस्टॉल हो चुका है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे कि लारावेल का फ्रेश जो प्रोजेक्ट है वो हम इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। लारावेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, वैसे तो कमांड होती है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल, लारावेल जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम रहेगा। फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला है, कॉपी किए मैं, सुडो लगा के करते हैं। सुडो जो हमारी कमांड होती है सुपर एडमिन के तौर पे होती है। लारावेल का 11th वर्जन डाउनलोड हो चुका है, सीडी। अब हमारा जो एग्जाम्पल ऐप के नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर हम जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा जो .env .example के नाम से होती है, उससे हम कॉपी करके env फाइल बनाएंगे हमारी, और उसके अंदर डेटाबेस का नाम देंगे और फिर माइग्रेशन चलाएंगे। ये स्टेप मुझे करना है, तो मैं एक बार कमांड चेक कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने इसको, सीपी रहेगा वो, सूडो लगाता हूं मैं इसको। अब वो कॉपी पेस्ट हो चुके, मैं इस प्रोजेक्ट में जाके इसको खोल लेता हूँ एक बार। ये जो प्रोजेक्ट की फाइल जो हमारी खुल चुकी है, इसके अंदर मैं डेटाबेस का नाम रख देता हूँ, क्रेडेंशियल भी रखने पड़ेंगे आप। अब ये वाले हैं, सभी के आगे से कमेंट हटा देता हूँ। पासवर्ड जो हमारा, हमने पासवर्ड रखा था, ये कोई डेटाबेस कुछ भी किसी के नाम से ही बना लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के नाम से ही बना लेते हैं।
एग्जाम्पल ऐप के नाम से रहेगा। आईपी एड्रेस देख लेते हैं एक बार, 65.0.165.0.169.47। ठीक है, सब सेट है। एक चीज और रहता है, अभी सेव कर देते हैं। परमिशन का इश्यू सुडो लगा के ओपन करना पड़ेगा। फिर से वही चीज करनी पड़ेगी। पासवर्ड, मेरा पासवर्ड है। डेटाबेस का नाम एग्जाम्पल ऐप ले लेता हूं, आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूं, 65.0.16169.47। SQLite का इसको मैं कर देता हूँ माई सीक्वल। नाउ ऑल सेट। ठीक है, पीएचपी आर्टिशन माइग्रेट चलाता हूँ। सुडो लगाना पड़ेगा शायद। देखते हैं क्या इशू बताता है। चेक कर लेते हैं एक बार हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल पड़ा है नीचे। इस एड्रेस पे हम टाइप करते हैं स्टोरेज की परमिशन नहीं है इसको। स्टोरेज की परमिशन दे रहा हूं मैं 777 की। माइग्रेट चलाता हूँ, चलता ही नहीं चलता। देखते हैं की जनरेट नहीं हुई इसके अंदर, की भी जनरेट कर लेते हैं। जनरेट हो चुकी है। चला नहीं है अभी तक। परमिशन दे देते हैं एक बार ये सभी।
माइग्रेट चलाता हूँ। देख लेते हैं एक बार क्या इशू है। जो मेरा इशू था वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने ENV के अंदर जो मैंने आईपी एड्रेस दिया था वो सेम ही रहेगा, 127.0.01 यही रखना आपने, आईपी एड्रेस चेंज नहीं करना है, अदरवाइज वो इशू करेगा। ये वाला इशू था। इसको बंद कर देता हूं मैं। अब सब सेट है, चेक कर लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल ऐप के नाम से मैंने ये डेटाबेस बन गया हमारा, ठीक है। अब इसको एक्सेस करेंगे हम, ये देखिए हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब इतना आपको हर वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अब इश्यू आता है कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी अगर एपीआई बनाते हो या फिर कोई पैकेज इंस्टॉल करके राउट एक्सेस करते हो या कुछ भी, ओवरऑल कहने का मतलब ये है अगर आप कोई भी राउट एक्सेस करना चाहोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं ऑथ का। पैकेज इंस्टॉल करता हूं, सुडो लगाता हूं। एक्सेस करते हैं, इंस्टॉल करना पड़ेगा। परमिशन देनी पड़ेगी। स्टोरेज आएगा, सॉरी। दूसरा देखता हूँ कुछ। सुडो लगा लेता हूँ पहले। एक्सेस करते हैं। देखिए जो मेन मेरा ऑब्जेक्ट था, मेन जो उद्देश्य था आपको यही दिखाना था कि जब हम किसी भी राउट को एक्सेस करते हैं तो ये वाला एरर देगा वो। यहाँ तक तो आपको हर वीडियो के अंदर मिल जाएगा कि ऐसे लारावेल के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, लेकिन जब आप किसी राउट को एक्सेस करेंगे तो ये 404 नोट फाउंड का एरर देगा। तो इस चीज को कैसे फिक्स करना है वो मुझे इसके अंदर बताना था आपको। तो लास्ट पे मैंने एक कमांड लिख रखी है ये वाली, इसको मैं चलाता हूं। और अब मैं रिस्टार्ट करता हूं जो हमारा अपाचे सिस्टम CTR।
सुडो लगा लेता हूँ। ठीक है, अब एक्सेस करते हैं हम। सुडो सर्विस अपाची। एक्सेस करते हैं। देखिए दोस्तों, 404 का जो एरर आ रहा था उसका जो सॉल्यूशन है वो ये रहेगा कि हम जो डायरेक्ट जो है ईटीसी के फोल्डर में जाएंगे हम। और ये देखिए, एलएस कर लेता हूँ मैं, एक बार लिस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमारी जो डायरेक्टरी है अपाचे में जाएंगे। एलएस करके आपको फिर दिखा देता हूँ, जो हमारी जो ये अपाची 2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर जाएंगे। और जो एक चेंजेस है जो आपको करना है वो यहाँ पर करना है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक डायरेक्टरी नाम का जो टैग है वहां स्टार्ट होगा, ये वाला डायरेक्टरी जो टैग है। इसके अंदर जो अलाउ ओवरराइड, यहाँ पर नन था, मैंने इसको ऑल कर दिया है। ऑल करने के बाद जैसे ही मैं एंड पॉइंट को एक्सेस करता हूँ, ये मुझे मेरा प्रोजेक्ट का जो है राउट है वो चलता हुआ दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर एक और इश्यू आ रहा है, उसको हम फिक्स करते हैं। ये जो है, जो हमने ऑथ जो इंस्टॉल किया था उसके अंदर जो उसकी वजह से इशू आ रहा है। ऐसे तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाली फाइल को रिमूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सीएसएस जो है वियर्ड लगेगी, लेकिन हमें सीएसएस जो है वियर्ड नहीं करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर npm रन बिल्ड चलाता हूँ। अब ये एरर देगा क्योंकि npm इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो आप npm इंस्टॉल करेंगे तो ये चल जाएगा फिर। वैसे तो हम इस फाइल को इस डायरेक्टली इसमें जाकर रिमूव कर देंगे तो ये चल जाएगा। मैं एक बार आपको रिमूव करके चला के दिखा देता हूँ आपको। ये अपनी मैं डायरेक्टरी पे आ चुका हूँ, जो फाइल जो थी उसके अंदर। इसको यहां से अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका एक दूसरा तरीका वो भी है कि आप npm इंस्टॉल करके आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि npm में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं उस चीज को स्किप कर रहा हूँ। तो ये वाली जो वाइट जो css है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सेव कर लेते हैं, इसको चला के देखते हैं। तो ये देखिए, प्रोजेक्ट हमारा चल गया है। जो मेरा मेन मकसद था इसको बताने का कि जब हम पैकेज लारावेल का ऐप जो है वो तो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन जब एंड पॉइंट है उनको एक्सेस करने की बारी आती है तो 404 का एरर देता है। उसके लिए दो चीज परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तो हमारा क्या रहेगा कि sudo nmode rewrite ये वाली कमांड चलाएंगे। अगर इससे चल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैंने क्या बताया था आपको, etc के अंदर जो अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जाके आपको जो नन है उसकी जगह ऑल करना है। तो इससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो कोई भी EC2 जो इंस्टॉल्स है उसके ऊपर लारावेल के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाहते हैं, या फिर कोई किसी भी तरह से स्टक हो जाते हैं कई बार भी, जैसे एंड पॉइंट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका जो टाइम है वो आपका सेव हो जाए। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।